हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आज है संडे और सुबह के 8:30 बजे हुए हैं। संडे है तो आज थोड़ा सा लेट तक सोए थे हम लोग, और अभी हस्बैंड उठ गए हैं तो उनके लिए मैं चाय बना रही हूँ, क्योंकि वो मॉर्निंग में उठते ही चाय मांगते हैं। तो उनके लिए सबसे पहले मैं चाय बनाती हूँ और उसके बाद ब्रेकफास्ट बनाऊँगी। तो चाय मेरी बन गई है, पहले मैं ये चाय उनको दे के आती हूँ और उसके बाद मैं फिर ब्रेकफास्ट बनाऊंगी। ब्रेकफास्ट में मैं आज बना रही हूँ ब्रेड पकौड़ा। थोड़ा सा हैवी हो जाता है वैसे तो सर्दियों में कभी कभी हैवी ब्रेकफास्ट भी करना चाहिए। तो मैंने ये बॉयल आलू लिए हैं, आलू को मैंने बॉयल कर लिया है और दो आलू को मैश कर रही हूँ मैं। और आलू को अच्छी तरह मैश करने के बाद हम इसमें थोड़ी सी प्याज डालेंगे कटी हुई, और इसके साथ साथ हम इसमें डालेंगे रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा मैंने इसमें डाला है मैंगो पाउडर, ड्राई मैंगो पाउडर अमचूर, और इसके साथ ही नमक ऐड कर लेंगे अकॉर्डिंग टू टेस्ट, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे अब। और ये मैंने ग्रीन चटनी ली है, ये मैंने रात को बना के रखी थी। तो ग्रीन चटनी ये हरा धनिया और हरी मिर्च की चटनी है और इसमें कुछ नहीं है। तो इसको मैं इसलिए मिक्स कर रही हूँ कि ब्रेड पकौड़े का जो कलर है अंदर फिलिंग का थोड़ा सा ग्रीन आएगा, और मैं इसमें रेड चटनी यूज़ करूँगी। मायरा भी उठ गई है तो उसको मैं दूध तो दे देती हूँ, दूध मांग रही है, जा रही है उसे दूध देने। और ये मैं बेसन का घोल बना रही हूँ, बेसन का बैटर। इसमें मैंने कैरम सीड्स यानी कि अजवाइन और नमक, थोड़ी सी हल्दी ऐड कर ली है, और इसका एक पतला बैटर बना लेंगे और थोड़ी सी रेड चिली पाउडर ऐड कर लेंगे, और इसका एक हम पतला सा बैटर बना लेंगे। और इसमें मैंने थोड़ा सा बेकिंग सोडा भी ऐड किया है, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक पतला घोल बनाएंगे। तो बैटर मुझे इस तरह का इतना पतला बैटर बनाना है, ज़्यादा पतला नहीं करना है, नहीं तो आपके ब्रेड पकौड़े अच्छी तरह से नहीं बनेंगे। और इसको थोड़ा सा पानी ऐड करके और थोड़ा सा पतला कर लेते हैं, ये थोड़ा सा गाढ़ा है। सुबह के टाइम ब्रेकफास्ट बनाना और जल्दी जल्दी बनाना पड़ता है, क्योंकि सुबह सबको भूख लगी होती है। ये बहुत फास्ट वाला ब्रेड पकौड़े बना रही हूँ, मैंने रात को ही सोच के रखा था मैं सुबह ब्रेड पकौड़े बनाऊँगी, तो मैंने उसके लिए चटनी वगैरह पहले तैयार कर ली थी। और ये है टमाटो सॉस, ये मैंने घर पे बनाई हुई है, होममेड है। इसकी वीडियो मेरे चैनल पे है, आप वहाँ से देख सकते हैं, और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो पहले हम रेड वाली चटनी को ब्रेड पर दो स्लाइस पर इस तरह से ऐड कर लेंगे, देखिए मैंने रेड सॉस टमाटो सॉस को ब्रेड पे लगा लिया है, ब्रेड स्लाइस पे। अब इसमें मैं एक स्लाइस पे ये जो हमने आलू की जो फिलिंग बनाई है इसको हम इस तरह से फोक की हेल्प से मैं इस तरह से इस पे ऐड कर लूँगी, पूरी तरह से फैला लेंगे इसको। तो ये देखिए इस तरह से मैंने ये ब्रेड स्लाइस भी फैला ली है,
ग्रीन चटनी डालने की वजह से इसका कलर ग्रीन हो गया है। जब हम इसे बीच में से काटेंगे तो इसमें रेड और ग्रीन कलर दिखेगा, तो बहुत अच्छा लगता है वो। तो ये मैंने एक स्लाइस पे लगा लिया है, अब दूसरे पे लगाएंगे। ये मैंने दोनों ब्रेड स्लाइस पे आलू की स्टफिंग फैला ली है, और ये मैंने रेड सॉस टमाटो सॉस लगा ली है एक स्लाइस पे। हम इसको उठाकर हम इस तरह से इसके ऊपर फैला देंगे इस तरह से, और इसको भी इस तरह से हम इसके ऊपर पेस्ट कर देंगे। तो अब हम ये ब्रेड पकौड़ा तैयार करेंगे, और उसके लिए मैंने ऑयल पहले ही गर्म करने के लिए रख दिया है। और मॉर्निंग के टाइम में मेरा जो किचन है काफ़ी मैसी होता है, बहुत फैला हुआ होता है, तो मैं आपको अपना किचन पूरा नहीं दिखा रही हूँ। तो अभी मैं ब्रेकफास्ट बनाने के बाद वो सब मैं सेट करूँगी, क्योंकि हम आज संडे है तो थोड़ा लेट ही उठे हैं, तो मुझे जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट बनाना है। और आरू दूध मांग रही है, उसको दूध भी देना है। तो मैंने बीच में से कट कर लिया है। ऑयल को हमने गरम कर लिया है, ऑयल को हम अच्छी तरह से गरम करेंगे, ठंडे ऑयल में नहीं डालेंगे, नहीं तो आपके जो ब्रेड पकौड़े हैं काफ़ी ऑयल सोक कर लेंगे। तो एकदम अच्छे से गरम ऑयल में इसको हम डालेंगे, और फिर मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको हम कुक करेंगे। इस तरह से डिप करके हम इसे डाल देंगे, पूरी तरह से बैटर में कवर कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर चार ब्रेड पकौड़े बना रही हूँ, दो ब्रेड स्लाइस से, और ये मैं सेकने के बाद हमारा को दूध देने जा रही हूँ। वो बहुत शोर मचा रही है दूध के लिए। तो ये ऑयल में डाल दिया है, ला रही हूँ बेटा, ला रही हूँ बाबू, ला रही हूँ। तो हमारा को मैंने दूध दे दिया है, और वो दूध पी रही है मैडम आराम से। और मैं इस ब्रेड को सेक लेती हूँ अच्छी तरह से। तो ये हमने सेक लिया है दोनों साइड से अच्छी तरह से, और इसको मैं एक पेपर टॉवल निकाल लूँगी। काफ़ी क्रिस्पी हो गया है दोनों साइड से। इसी तरह से मैं दूसरा ब्रेड पकौड़े को सेक लूँगी। मैंने चारों ब्रेड को सेक लिया है, और मैं आपको इसे कट करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये बहुत ही क्रिस्पी है ऊपर से, और अंदर आपको ग्रीन और वाइट कलर, रेड कलर भी दिखेगा। तो इस तरह से आप घर पर ब्रेकफास्ट में ब्रेड पकौड़ा बना सकते हैं, और घर पे बना हुआ ब्रेड पकौड़ा बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखिए, मैं चटनी के साथ सर्व कर रही हूँ, और मुझे रुका नहीं जा रहा, मैंने उसे टेस्ट कर लिया है, और ये बहुत ही अच्छा बना है। और अब मैं जा रही हूँ ये हस्बैंड को देने, और उसके बाद मैं बनाऊँगी चाय फिर से। और गाइस, ये था मेरा आज का ब्रेकफास्ट रूटीन। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ से लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।